आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। दिन भर में सुरक्षित परमेश्वर ने हम सबको रखा और ये समय दिया कि हम उसकी नज़दीकी में आएं, उससे बातचीत करें और अपनी कुछ बातें उसको बताएं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था और अचानक से वो आम का पेड़ गिर गया। उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी यदि वो पेड़ उनके घर पर गिरता, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में इस बड़ी दुर्घटना होने से उन्हें बचा दिया कि आम का पेड़ दूसरी साइड को गिरा और उनका घर बच गया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन को और इनके पूरे परिवार को इस बड़ी दुर्घटना होने से बचाया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपको भी इन दुर्घटनाओं से बचाएंगे। प्रभु आपको हर एक एक्सीडेंट, हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबत से सुरक्षित रखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 31 और उसके 7 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की, मेरे कष्टों के समय तूने मेरी सुधि ली है। आमीन। मेरे प्रिय भजनकार दाऊद यहाँ पर कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं तेरी करुणा के कारण, जो करुणा तूने मुझ पर की है, जो अनुग्रह तूने मुझ पर किया है, जो दया तूने मुझ पर की है, उस करुणा के लिए मैं आनंदित हूँ, मैं तेरा धन्यवादित हूँ क्योंकि तूने मेरे दुख के समय में मुझ पर दृष्टि की और मेरे कष्टों के समय में तूने मेरी सुधि ली। हाँ मेरे प्रिय भजनकार दाऊद कहते हैं कि जब मैं दुखों में था, जब मैं कष्टों में था, तो उस समय मेरे परमेश्वर ने मुझ पर करुणा की और मेरे दुख के समय में उसने मुझ पर दृष्टि की और उन कष्टों से, उस दुख से उसने मुझे छुड़ाया। हाँ मेरे प्रिय, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो दुख के समय हमारी सुधि लेता है और कष्टों के समय हमारी सुधि लेता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपके जीवन में भी दुख हो, बहुत सारे कष्ट हो, बहुत सारी परेशानियां हो। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, यदि आप उससे लिपटे रहेंगे, तो परमेश्वर आपके दुखों की ओर भी दृष्टि करेंगे, आपके कष्टों की भी सुधि लेंगे और आपको छुटकारा देंगे और आपको अपनी महाकरुणा के तहत आपको भी छुटकारा देंगे। जिस प्रकार उन्होंने भजनकार दाऊद पर करुणा की और उनको उन दुखों से, उन कष्टों से छुटकारा दिया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आपको भी प्रभु आपके दुखों की ओर भी प्रभु दृष्टि करेंगे, आपके कष्टों की ओर भी प्रभु दृष्टि करेंगे, आपकी सुधि लेंगे और आपको उन सब बातों से बाहर निकालेंगे, आपको छुटकारा देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप निराश ना होएं, आप उदास ना होएं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, वो निश्चय आपको उन सब कष्टों से, सब दुखों से छुटकारा देंगे। जिस प्रकार उन्होंने भजनकार दाऊद को छुटकारा दिया, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी छुटकारा देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु तू अल्फा और ओमेगा है। प्रभु तू आदि और अंत है। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू अनंत काल का परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद कि प्रभु तूने प्रभु अपनी चाक पर रख कर हमें बनाया है। प्रभु जी, हमें एक सुंदर आकार दिया है। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर कि मनुष्य तेरी एक उत्तम सृष्टि है प्रभु, और वो सृष्टि हम है पिता, वो सृष्टि तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु, और आपने हम सबको पिता सारी वस्तुओं में प्रधान ठहराया। लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। आज की शाम में मेरे पिता, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, आप उनके जीवनों में कार्य करें प्रभु। और पिता धन्यवादी है पिता कि दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु, जो भी हमसे गुना गलती हुई है, जो भी अपराध हमसे हुआ है प्रभु, हम सब मिलकर अंगीकार करते प्रभु अपने गुनाहों का और माफी मांगते प्रभु कि हमारे गुनाहों को आप माफ करें पिता, और दुआ करते प्रभु जी कि हमें अपने लहू से, उस बेशकीमती क्रूस से बहते हुए लहू से आप हमें धो दीजिए प्रभु, और हमें शुद्ध और पवित्र और नया करें प्रभु जी। लॉर्ड, आपका लहू छुटकारे का है पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हमें धोकर नया किया। आज की शाम में आपकी पवित्र उपस्थिति इस भाई इस बहन के संग में, हम सब के संग में है पिता। लॉर्ड, जो आपसे आज की शाम में प्रार्थना
प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता, अपनी प्रार्थनाओं के जवाब पाने के लिए तुझसे कुछ पाने की आशा लगाए हुए तुझसे बैठे, तेरे सम्मुख बैठे प्रभु, हर एक की आशाओं को आप पूरी करें पिता। होली स्पिरिट हमें गाइड करे, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे, हमें आत्मा और सच्चाई से इस प्रार्थना में बैठने में मदद करे। दुष्ट हमारे विचारों में कार्य न करने पाए, दुष्ट प्रभु इस प्रार्थना में डिस्टर्बेंस न करने पाए, यीशु के नाम से दुष्ट को हम अधलोक के कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर प्रभु इनके मनों को तू एकाग्र कर प्रभु, अपनी सामर्थ दे इन्हें, इनके हृदयों को दृढ़ कर प्रभु। धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु, कि सच में प्रभु तू हमें कष्टों में सुधी लेता है प्रभु, हमारे दुखों में तू हमारे साथ में रहता है प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, तूने प्रभु तू हमारे दुखों को आनंद में बदलने की सामर्थ रखता है, तू हमारे कष्टों को दूर करने की सामर्थ रखता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम में प्रभु यदि ये भाई बहन किसी भी दुख में है, किसी भी संकट में है, किसी भी कष्ट में है पिता, मैं नहीं जानती परंतु यीशु नासरी आप जानते हैं पिता, इस बहन के दुखों को, इस भाई के दुखों को, इनके परिवार के दुखों को होने दे प्रभु, इस इनके कष्ट के और इनके दुख के समय आप इनकी सुधी लीजिए, जिस प्रकार अपने भजनकार दाऊद की सुधी ली और उसके जीवन में काम किया, उसी प्रकार यीशु मसीह इस भाई, इस बहन, उनके परिवार, इनके बच्चों की सुधी लीजिए और इनके जीवनों में कार्य कीजिए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे आत्मा के फलों के लिए पिता परमेश्वर, चाहते प्रभु तेरे आत्मा के फल इनके, इन भाई बहनों के जीवन में आए प्रभु, जब इन्होंने आप पर विश्वास किया प्रभु तो तेरे 9 फल इनके जीवनों में आने पाए, तेरा प्रेम इनके जीवनों में आने पाए परमेश्वर प्रभु, कि एक दूसरे से अपने समान प्रेम करने वाले हो सके, तेरा आनंद इनके जीवन में आने पाए प्रभु, तेरी शांति इनके जीवन में आने पाए प्रभु, तेरी कृपा इनके जीवन में आने पाए प्रभु जी, लॉर्ड ये कृपालु होने पाए, संयमी होने पाए, सहनशील होने पाए पिता, प्रभु यीशु मसीह दूसरों पर दया करने वाले हो सके प्रभु, जब ये फल इन पर नजर आते हैं प्रभु तो सच में प्रभु उनके अंदर आप नजर आते हैं, तेरा आत्मा नजर आता है। हाँ परमेश्वर अपने 9 फलों को अपनी बेटी और बेटियों के जीवन में आप पूरा करें पिता प्रभु, होने दे पिता, क्योंकि ये खुद से नहीं हो सकता, परंतु पवित्र आत्मा इन फलों को इनके जीवनों में दिखने में आप मदद करें प्रभु जी, ताकि प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवनों से दिखा सके परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, दुआ करते प्रभु आज की शाम में जो बीमार है पिता प्रभु, उनकी आप सुधी लीजिए प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपने बीमारी की अवस्था में हिजकिय्याह राजा की सुधि ली प्रभु और उसे चंगा किया, उसे जीवन दान दिया, उसी प्रकार मेरे प्रभु इन भाई बहनों को भी पिता इनकी बीमारी की अवस्था में आप इनकी सुधि लें प्रभु, छोटे बच्चों की सुधि लें, नौजवानों की सुधि लें, बुजुर्गों की सुधि लें, इन बहनों की सुधि लें, इन भाइयों की सुधि लें प्रभु जो बीमार है यीशु मसीह, प्रभु आप इन्हें छू लें और चंगा करें, हर एक बीमारी पिता यीशु नासरी इनके शरीरों से निकल कर चली जाए, हम बीमारियों को आज्ञा देते हैं निकल जाओ यीशु के नाम से, इनके शरीरों को छोड़कर इनका शरीर चंगा हो जाए, हर एक वो ऑर्गन जो ही डैमेज हो गया है वो चंगा हो जाए यीशु के नाम से प्रभु, जैसा शरीर के जिस भी अंग में दर्द है वो दर्द चला जाए यीशु के नाम से और वो अंग चंगा हो जाए यीशु के नाम से। मेरे पिता जो हॉस्पिटल्स में है पिता यीशु मसीह, डायलिसिस पेशेंट है पिता, कीमोथेरेपीज जिनकी होती है प्रभु, जो पिता वेंटिलेटर ICU में रखे गए हैं प्रभु, और जो कोरोना वायरस से पीड़ित है पिता परमेश्वर, सीरियस कंडीशन में लॉर्ड हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जब वो हॉस्पिटल्स में है प्रभु तो आप उन्हें छू लें और चंगा करें पिता परमेश्वर प्रभु, उनके हालातों को प्रभु बदल दे पिता और उनकी बीमारियों को नष्ट करके उन्हें भला चंगा करे, उन्हें उस बिस्तर से खड़ा कर उन्हें आप भला चंगा करे पिता, ताकि आपकी महिमा हो प्रभु, आप जीवित परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि तू यहोवा राफा है प्रभु, चंगा करने वाला सामर्थ्य प्रभु है पिता। हालेलुया, धन्यवाद आपने ने छुआ और चंगा किया। धन्यवाद करते प्रभु इन भाई बहनों के प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रभु, जो कमेंट्स के द्वारा ये समय भेज रहे प्रभु, लॉर्ड आप जानते हैं इनकी क्या समस्या है, आप जानते हैं इस प्रार्थना निवेदन को जो ये भेज रहे प्रभु, आप इनके जीवन में इनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु, हर एक फेसबुक में दिया हुआ प्रार्थना निवेदन, हर एक व्हाट्सएप में दिया हुआ प्रार्थना निवेदन, हर एक इंस्टाग्राम में दिया हुआ प्रार्थना निवेदन प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में देते प्रभु, और पिता आप उनकी सुधी लेकर उनके प्रार्थना का उत्तर दें, उनके जीवनों में कार्य करें और प्रभु यीशु वो तुझ में आशीषित होने पाए प्रभु।
धन्यवाद पिता, आज की शाम में प्रभु हर एक को आप मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु, जो बुरे सपने देखते और डरते हैं प्रभु यीशु, उनके बुरे सपनों को नष्ट करें, उनके डर को दूर करें, और प्रभु आप उन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे, और हम आशा करते हैं कि आप वचन और प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु से आशीष पा रहे हैं, और यूं ही अपने रिश्ते को और भी मजबूत करते चले जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।